हम कैपेसिटर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। कैपेसिटर जो होता है एक इस तरह का अरेंजमेंट होता है, जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास पॉजिटिव चार्ज की कोई प्लेट है, उसके पास हम एक अनचार्ज प्लेट लेकर गए, तो उस अनचार्ज प्लेट पर जो नेगेटिव चार्ज है वो इस साइड इकट्ठा हो जाएगा क्योंकि इस पॉजिटिव की अट्रैक्शन की वजह से, और जो पॉजिटिव है वो इस साइड इकट्ठा होगा इस पॉजिटिव की रिपल्शन की वजह से। तो ओवरऑल जो इसका पोटेंशियल है एक अनचार्ज प्लेट लाने से वो कम हो जाएगा, और फिर हम क्या करेंगे, इस प्लेट को ग्राउंड कर देंगे। तो ये जो नेगेटिव है ये अट्रैक्शन की वजह से यहीं रहेगा, और जो ये पॉजिटिव चार्ज था वो ग्राउंड में चला जाएगा। तो हमारे पास ये अरेंजमेंट बन जाएगा जिसको कि हम कैपेसिटर बोलते हैं, जिसमें दो कंडक्टर होते हैं, ऑपोजिट चार्ज डेंसिटी होती है दोनों की। इसको हम जो है इस तरह से दिखाते हैं सिंबल जैसे, इसको फिक्स्ड कैपेसिटेंस कैपेसिटर बोलते हैं, फिक्स्ड कैपेसिटेंस है इसकी, और ये वेरिएबल कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर है। कैपेसिटर का मेन काम जो होता है एनर्जी को स्टोर करने का होता है। तो ये हमारे अप्लाइंसेज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में लगते हैं, छोटे छोटे सिलेंडर्स की फॉर्म में होते हैं। हमारा जो घर का पंखा होता है ऊपर, उसमें भी एक सेल लगता है, कैपेसिटर होता है वो भी, तो वो एनर्जी को स्टोर करके और फास्ट रेट पर रिलीज करता है, उससे पंखा हमारा तेज चलता है। बिना कैपेसिटर के पंखा जो है बिल्कुल स्लो चलेगा। तो ये एनर्जी को स्टोर करके करने के और फास्ट रेट पर रिलीज करने के काम आते हैं। ये कई टाइप्स के होते हैं, उनमें से कुछ मेन टाइप्स जो हैं हम अपने इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है, यानी एक कैपेसिटर कितना चार्ज होल्ड कर सकता है, क्यू बाय वी होता है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है जिसमें दो प्लेट्स होती हैं एक दूसरे के पैरेलल, तो एक पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होगी, एक पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी होगी। और हमने फर्स्ट चैप्टर में गॉस लॉ किया था जिसमें पॉजिटिव प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट बाहर की तरफ, और नेगेटिव प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती थी नेगेटिव प्लेट की तरफ होती थी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनके अंदर बनेगी वो इन दोनों को ऐड करने पे कितनी बनेगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और हमने एक रिलेशन किया है, E इज इक्वल टू माइनस वी बाय डी होता था, जब हम मैग्नीट्यूड लेंगे उसका तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा, E इंटू डी। E सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, डी और कैपेसिटेंस हमने निकालनी है वो क्यू बाय वी होती है, वी हमने ये निकाला है, इसको यहाँ पुट करेंगे। जो सिग्मा होता है ये सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज पर यूनिट एरिया होता है, तो सिग्मा की जगह हम रखेंगे चार्ज पर यूनिट एरिया। तो हमारे पास कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। तो ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस होती है जो कि किस पे डिपेंड करती है, एक तो जो प्लेट्स हैं उनके एरिया पर, जितना ज़्यादा एरिया होगा प्लेट्स का, जितनी बड़ी प्लेट्स होंगी उतनी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी, उन दोनों में डिस्टेंस जितना कम होगा उतनी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, और उनके बीच में जो मीडियम है जैसे एयर है तो उसकी परमिटिविटी पे डिपेंड करेगी, जितना ज़्यादा मीडियम की परमिटिविटी होगी उतना ज़्यादा क्या है कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी। तो हम इनमें जो है कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए इनके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स डाल देते हैं, तो जितने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की स्लैब होती है उतने गुना कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। आगे हम इसके बाद डिस्कस करेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स, तो वो आपके सिलेबस में नहीं है, उनके सिर्फ आपको फॉर्मूलाज करने हैं क्योंकि वो क्वेश्चंस में यूज होते हैं। हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में डिस्कस किया है। हमारे पास दो और टाइप्स के कैपेसिटर होते हैं, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल। इनका जो कैपेसिटेंस है हम वो डिराइव करते हैं इस फॉर्मूले से, क्यू बाय वी से, कैपेसिटेंस क्यू बाय वी होती है। अब स्फेरिकल कैपेसिटर में दो आपके पास शेल्स हैं, एक बाहर है एक अंदर की तरफ है, तो बिल्कुल अंदर है वहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, तो ई ज़ीरो होती है। अगर मान लीजिए बाहर वाले पे पॉजिटिव चार्ज है तो अंदर वाले पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी। अंदर वाले शेल का रेडियस ए है, बाहर वाले शेल का रेडियस बी है। हम जो है वी निकालने के लिए हमने ये फॉर्मूला हमें पता है डिराइव किया था, तो इसमें हम V को किसी तरह निकालते हैं इस तरह से, dV इज इक्वल टू माइनस EDR इंटीग्रेट करते हैं, तो यहाँ पर हमारा इसका डॉट प्रोडक्ट होता है और ये नेगेटिव साइन होता है। इस फॉर्मूला का यूज़ करके इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, अब ये अंदर की तरफ है और हम जो DR है डिस्प्लेसमेंट है वो बाहर की तरफ ले रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 180। cos 180 की वजह से ये माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा।
अब एक स्फेरिकल शेल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, फर्स्ट चैप्टर में हमने किया था, वो क्या होती है, उसके सेंटर से आर डिस्टेंस दूर, हम यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक गॉसियन सरफेस मानेंगे, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, चार्ज बटा में 4πε0r2, ई की जगह हमने ये रख दिया, dr है, अब क्यू बाय में 4πε0 कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया, 1r2 dr, ए से बी लिमिट है, यानी फर्स्ट सेल से सेकंड सेल तक हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। अब 1r2 dr का जो इंटीग्रेशन है वो होता है -1r, उसके बाद हम लिमिट पुट करते हैं, पहले बी वाली पुट करेंगे, -1b आ जाएगा, फिर माइनस ए वाली पुट करेंगे, तो माइनस एक साइन ऑलरेडी पहले से है, तो माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस का 1a, यहाँ से क्या आएगा, 1a - 1b, अब इस फॉर्मूले में हम इस v की वैल्यू रखेंगे, तो क्यू बाय में v की हमने ये वैल्यू रखी, तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा ये, तो कैपेसिटेंस जो स्फेरिकल कैपेसिटर की है उसका फॉर्मूला होता है ये, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ आपने ये फॉर्मूला याद रखना है अच्छे से। इसी तरह सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में भी दो आपके पास सिलेंडर्स हैं, बीच में हम गॉसियन सरफेस मानते हैं, बाहर वाले पे पॉजिटिव चार्ज है, अंदर वाले पे नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से अंदर की तरफ होगी, अंदर वाले का रेडियस ए, बाहर वाले का बी, सेम वही फॉर्मूला, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, एक लाइन चार्ज वाला हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, उसके सेंटर से आर डिस्टेंस कितनी होती है, λ/2πε0r, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में गॉस लॉ की एप्लीकेशन में किया था, एक लाइन चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सेंटर से आर डिस्टेंस दूर वो होती है λ/2πε0r, तो ये कॉमन था, ये कांस्टेंट था, इसलिए ये बाहर आ गया, 1r dr, ए से भी लिमिट है, और 1r का जो इंटीग्रेशन होता है वो log r होता है, उसके बाद लिमिट पुट की जाती है, log b माइनस log a होगा, और log की प्रॉपर्टी है कि log a माइनस log b को हम लिख सकते हैं log b बटा में a, इस जो v की वैल्यू को हम फॉर्मूला में रखेंगे यहाँ पर v की जगह, तो हमारे पास जो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस आएगी वो ये आएगी 2πε0 L, यानी सिलेंडर की लेंथ बटा में log b बटा में a, b आउटर सिलेंडर का रेडियस, a इनर सिलेंडर का रेडियस, ये आपके पास दो टाइप के कैपेसिटर्स थे और उनकी कैपेसिटेंस के फॉर्मूला की डेरिवेशन थी, आपने ये फॉर्मूले अच्छे से याद रखने हैं, ये आपके यूज होंगे क्वेश्चंस में। हमारे पास जो कैपेसिटर हैं उनको दो तरह के कॉम्बिनेशंस में हम लगा सकते हैं सर्किट में, कैपेसिटर का काम होता है एनर्जी स्टोर करना और उसको रिलीज करना, जैसे सीरीज में लगा सकते हैं हम कैपेसिटर को इस तरह से जैसे रेजिस्टेंस लगाते थे सीरीज में, सीरीज के केस में कैपेसिटर में क्या होता है, चार्ज सेम होता है जैसे रेजिस्टेंस में करंट सेम होता था, और ये हमने पोटेंशियल दिया है, तीनों का पोटेंशियल अलग अलग होगा, तो टोटल पोटेंशियल वी किसके बराबर होगा, जो तीनों का पोटेंशियल है उसके एडिशन के, जो पोटेंशियल है वो क्या होता है, क्यू बाय सी, तो क्यू बाय सी यानी टोटल कैपेसिटेंस सर्किट की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो ये क्या होगा, वी वन क्यू बाय सी वन जो फर्स्ट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है, क्यू बाय सी टू क्यू बाय सी थ्री, क्यू कॉमन आकर हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का, सीरीज के केस में ये रेसिप्रोकल के एडिशन, सीरीज के केस में रेजिस्टेंस जो होती थी वो ऐड हो जाती थी सिंपली, लेकिन कैपेसिटेंस में उल्टा होता है, जो पैरेलल केस में रेजिस्टेंस में होता था 1r1 + 1r2, वैसा कैपेसिटर के केस में सीरीज में होता है फॉर्मूला। पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होती है, चार्ज अलग अलग होता है, तो टोटल चार्ज क्या होगा, तीनों चार्ज की एडिशन, अब चार्ज होता क्या है, सी इंटू वी, तो टोटल चार्ज सी इंटू टोटल पोटेंशियल, C1 इंटू पोटेंशियल, C2 इंटू पोटेंशियल, C3 इंटू पोटेंशियल, क्योंकि पोटेंशियल तीनों में सेम है, तो टोटल कैपेसिटेंस कितनी आ जाएगी पैरेलल के केस में, तीनों को ऐड कर देंगे, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस में को जब सीरीज में लगाते थे तो रेजिस्टेंस ऐड होती थी, लेकिन कैपेसिटर पैरेलल में लगाने पर उनकी कैपेसिटेंस ऐड होती है, और रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाने से हमारे पास इस टाइप का फॉर्मूला आता था, वो कैपेसिटर को सीरीज में लगाने से आता है, तो ये दोनों में डिफरेंस है, ये जो कॉम्बिनेशन है इनके सर्किट्स आएंगे आपके, जैसे 10th क्लास में रेजिस्टेंस के सर्किट आते थे तो उनकी हम टोटल रेजिस्टेंस निकालते थे सीरीज पैरेलल करके, उस टाइप से आपके कैपेसिटर में सर्किट्स आएंगे जिनको हम जब हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें डिस्कस करेंगे।